अगर आपको इस चैनल का दिया हुआ कंटेंट या कोई भी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेंशन फैसिलिटीज़ इंडियन नेवी में क्या होती हैं। पेंशन यानी अगर आप एक बार सर्विस से रिटायर्ड हो जाते हो, मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस कर लेते हो, जो कि 15 साल की सर्विस है, मिनिमम ही रिक्वायर्ड जो है नेवी में, उसको करने के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो वो कितनी पेंशन मिलेगी, उस पेंशन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यह आप इस वीडियो में देख लोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल पर स्वागत करता हूँ कि आप इस चैनल पर आए हो। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो क्या पेंशन आपको मिलेगी? अगर आपने मिनिमम सर्विस कर ली, यानी 15 साल की मिनिमम सर्विस कर ली, तो उसके बाद आप पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो पेंशन आपको कितनी मिलेगी? वह आपकी लास्ट बेसिक पे, यानी 15 साल में जो 14 साल और लास्ट का 11वां मंथ है, 14 ईयर्स 11th मंथ में, 14 साल 11वां मंथ में जो आपकी लास्ट बेसिक पे है, उस बेसिक पे, सपोज़ वह बेसिक पे आपकी है, हम वर्स्ट केस में मान लेते हैं 40,000 आपकी बेसिक पे है, यानी लोगों की और ज़्यादा होती है बेसिक पे, क्योंकि 14-15 साल सर्विस करने के बाद आप सीनियर रैंक्स में आ जाते हो तो आपकी बेसिक पे बहुत हो जाती है। तो हम उस समय मान लेते हैं अगर आपकी बेसिक पे 40,000 रुपये है, प्लस उसमें लगेगा एमएसपी लगा लेते हैं 5,200 रुपये का, तो ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद इसमें दो तीन चीज़ें और लग जाती है, अगर आपकी टेक्निकल कार्डर है या कोई एक्स ग्रेड पे आप ले रहे हो तो वह लग जाती है, और अगर आपकी क्लासिफिकेशन पे है तो वह भी जुड़ जाएगी। तो अगर आप टेक्निकल कार्डर में कुछ हो तो उसका 6,200 एक्स्ट्रा लग जाएगा, अगर आप टेक्निकल कार्डर में पेमेंट ले रहे हो तो। बट हम इसको जनरल मान के चलते हैं, हम टेक्निकल कार्डर नहीं जोड़ेंगे, हम नॉर्मल कंसिडर केस कर लेते हैं कि ना तो आपकी क्लासिफिकेशन पे है ना आपकी एक्स ग्रेड पे जो होती है वो है, हम इन दोनों को हटा देते हैं एक्स ग्रेड पे। तो इन दोनों में हम बस ये कैलकुलेट करेंगे बेसिक पे और एमएसपी का, ताकि जो हर एक जनरल कैंडिडेट है वो चेक करना चाहता है कि वो उसकी मिनिमम पेंशन कितनी बनेगी। तो अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा 45,200 को डिवाइड बाय आप 2 कर दो, हाफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा 22,600, 22,600 रुपये, 22,600 आपकी मिनिमम पेंशन बन जाएगी, एज़ पर फॉर्मूला आपकी मिनिमम पेंशन बन जाएगी 22,600। तो 22,600 के साथ उस समय जब आप रिटायर हो जाओगे, उस समय फुल पेंशन कितनी हो जाएगी 22,600 के साथ, उस समय अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आपका डीए कितना चल रहा है, अगर 21% डीए चल रहा है तो 22,600 में 21% निकाल लो, 21% डीए निकालने के बाद जो फॉर्मूला आएगा उसके बाद उस 21% से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आएगा। तो इस केस में हमने 22,600 लिया है, तो इसमें हम 21% डीए निकालेंगे तो कितना आ जाता है, करीबन 4,746 आएगा। इसमें हम जोड़ देंगे अपना जो हमारा 22,600 है, तो हमारी पेंशन बनके कुछ आ जाएगी 27,346। तो वर्स्ट केस में अगर आप 40,000 की लास्ट सर्विंग आपकी बेसिक पे रही है तो आपको रिटायरमेंट होने के बाद से अगले महीने से 27,000 रुपये तक आपको पेंशन के मिलेंगे, और अगर आप कुछ और जॉब कर रहे हो तो आप अलग जॉब में अलग अमाउंट कमा सकते हो। तो ये फॉर्मूला हो गया। प्लस अगर आपने कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, कम्यूटेशन क्या होता है कि आप चाह रहे हो कि जैसे अगर 15 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी 27,000 हर महीने, बट आप चाह रहे हो कि मैं हर महीने 27,000 लेने से अच्छा कुछ अमाउंट, 50% अमाउंट जो मेरे को पेंशन बनके टोटल मिलेगी मेरे रिटायरमेंट होने के बाद, उस पूरे 50% को एक साथ ले लेता हूँ। सपोज़ रिटायरमेंट के बाद 27,000 कर करके अगर आप नेक्स्ट 15 साल तक जी रहे हो, उन 15 साल में आपको कुछ हर 15 साल का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ मान लो 27,00,000 रुपये तक आपके बन रहे हैं। तो ये पूरा जो अमाउंट होगा, इसको अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को पूरा अमाउंट जो रिटायरमेंट के 15 साल मेरे को पेंशन मिलेगी जब तक मैं जीऊँगा, वो करने के बाद का पूरा पैसा मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे ले लेकर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को कुछ पैसा एक साथ ले लेना चाहिए,
ताकि जो मेरी पेंशन का अमाउंट होगा उसमें से मैं 50% अपना कम्यूटेशन करा लूँ और बाकी का मैं पेंशन ले लूँगा। तो अगर आप कम्यूटेशन कराते हो, कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, कम्यूटेशन क्या होता है, यह मैंने एक वीडियो बनाई है इसी चैनल पर, आप देख सकते हो, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। बट अगर आप कम्यूटेशन करवा लेते हो यानी 50% जो आपकी पेंशन मिलती है उसको एक साथ ले लेते हो, तो आपकी जो ये पेंशन बन रही है 27,000 के आसपास, ये आधी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, यानी 15,000 तक या 14,000 तक आपको मिलेगा हर महीने अगले 15 साल तक, जब तक आपकी ये कम्यूटेशन का आपने पैसा पूरा चुक्का ना कर दिया हो तब तक रिकवरी तक आपको आधी पेंशन मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी वापस नॉर्मल पेंशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आपका ये पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। तो कैसे पेंशन कैलकुलेट करते हैं, सपोज एक और एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट बेसिक पे आपकी 35,000 है, 35,000 में आपका डीए मिला के 5,200 है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 40,200 हो जाएगी, 40,200 को अगर मैं हाफ करूँगा तो 20,100 रुपीज़ मेरी पेंशन हो गई, प्लस मेरे को डीए 21% इस पे जो लग जाएगा ये पूरा मेरा पेमेंट हो जाएगा पेंशन का, तो ये कुछ 4,000 रुपये इस पर लग जाएगा, तो 24,000 तक मेरी पेंशन आएगी हर महीने रिटायरमेंट के बाद अगर मैंने कम्यूटेशन नहीं कराया है। ये एक और एग्जांपल है, अगर आप 50,000 की बेसिक पे रिटायर हो रहे हो 16 साल 17 साल सर्विस के बाद 50,000 की आपकी बेसिक पे होगी तो इस पे कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सेम फार्मूला लगाना है, 50,000 रुपीज़ प्लस MSP 5,200, तो जोड़ लो 55,200 हो जाएगी, फिर 55,200 को हाफ कर दोगे, 55,200 को हाफ कर दोगे तो आपका 27,100 कुछ आ जाएगा, 27,600 आ जाएगा, 27,600 को फिर आप 21% इसमें लगा लोगे, कुछ 5,000 तक इसमें बढ़ जाएगा, तो 31,000 या 32,000 तक आपकी पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली पेंशन की हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद। डिपेंड करता है आपकी बेसिक पे कितनी है जब आप रिटायर कर रहे हो उस टाइम, तो उसका जनरली हाफ हो जाता है, और अगर आपकी क्लासिफिकेशन पे है कि आप कुछ अलग ड्यूटीज़ में क्लासिफाइड ड्यूटीज़ करते हो, ADC ड्यूटीज़ करते हो, तो उसका भी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, प्लस अगर आपके पास टेक्निकल कार्डर या कोई कार्डर की आपको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलती है तो वह आपको अलग मिलता है उसका, वो भी इसमें जुड़ जाता है पेंशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ लिख करके वो क्वेरी दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।